आज हम क्या सीखने वाले हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारे एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। तो आज हम सीखेंगे, पर उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरे डेस्कटॉप कंप्यूटर में तीन भाग होते हैं। एक है इनपुट डिवाइसेस, एक है आउटपुट यूनिट, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आउटपुट इनपुट यूनिट ये है कि जिससे हम डेटा देते हैं अंदर, और वो जो सीपीयू है वो प्रोसेसिंग करेगा। और आउटपुट यूनिट ये है कि हम जो प्रोसेस हुआ हुआ डेटा वो हम देख पाए, वो ही है आउटपुट यूनिट। और सीपीयू तो खैर यही है, ये बड़ा वाला डब्बा है, तो इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। जैसे कि ये कंप्यूटर का दिमाग है, हमारे जैसे दिमाग में होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वैसे ये भी काफ़ी सारी चीज़ें करता है, और ये कुछ कुछ जगहों पे प्रोजेक्ट करता है या दिखाता है, और वही एक मॉनिटर काम करता है। ये जो भी दिमाग सोचता है उसे ये प्रोजेक्ट करता है, और हम सामने बैठ के इसे देख सकते हैं। तो ये आपने बताया, एक ये सीपीयू हो गया, और उसके बगल में जो मॉनिटर रखा हुआ है, ये आउटपुट, एक प्रकार का आउटपुट यूनिट। हाँ है, और भी किसी प्रकार के आउटपुट यूनिट्स होते हैं? हाँ, वैसे तो होते हैं, जैसे अभी फिलहाल तो हमारे पास है नहीं, लेकिन प्रिंटर एक आउटपुट यूनिट होता है, और काफ़ी और भी है हमारे पास, जैसे कि एक स्पीकर है, तो स्पीकर भी एक आउटपुट यूनिट ही है, और हम जानेंगे स्पीकर के बारे में आगे। और ये मॉनिटर के सामने जो अक्षर लिखे हुए हैं, छोटे छोटे बटन्स हैं, ये क्या है? ये वैसे एक कीबोर्ड है, तो यहाँ पे हम टाइपिंग कर सकते हैं, और हम जो भी लिखेंगे वो इस मॉनिटर में दिखेगा, क्योंकि इस कीबोर्ड में से सारा डेटा इसमें जाता है, ये दिखाता है, ये काम करता है, और ये इसे दिखाता है, इस पे मॉनिटर पे दिखाता है। तो ये कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो जाता है। हाँ, ये एक इनपुट डिवाइस है, और उसके साथ साथ एक छोटा सा कोई चूहा जैसा एक है, वो क्या है? अरे चूहा नहीं, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ध्यान से देखिए, तो इसे माउस बोलते हैं। तो माउस एक तरह से एक प्रकार का हाथ जैसा होता है, कि हम जो भी हिलाएं वो हमें मॉनिटर पे दिखेगी, और हम कुछ भी चीज़ें क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बटन्स है और स्क्रोल है, तो इससे हम ऊपर नीचे घूम सकते हैं, और काफ़ी और चीज़ें कर सकते हैं जो हम आगे जानेंगे। और उसके साथ साथ आपने पहले ही बताया था, ये एक स्पीकर है शायद, जो एक आउटपुट यूनिट होता है। हाँ, इसका क्या काम है? तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि स्पीकर एक आउटपुट यूनिट होता है, इसमें से हम आवाज़ें सुन सकते हैं, जैसे कि अगर आप गाना सुन रहे हो तो ये सीपीयू से कनेक्ट हो जाती है, और ये आवाज़ दे देती है हमें। और जैसे कि आप ये छोटा सा एक चीज़ देख रहे हो ऊपर, तो ये जो चीज़ है इसको हेडफोन बोलते हैं, और हेडफोन में क्या है कि आप सीधा अपने कान पे ही लगा के आप गाने सुन सकते हो, आवाज़ें सुन सकते हो, और इसमें एक छोटा सा माइक लगा हुआ है, यानी आप जो भी बोलोगे वो सीपीयू रिकॉर्ड करेगा, और आपको फिर से इसी स्पीकर के द्वारा आपको वापस सुनाएगा। तो यही है हेडफोन का काम। तो इसमें जो माइक्रोफोन आपने बताया, वो एक इनपुट डिवाइस होगा? हाँ, इनपुट डिवाइस है। और ये वो स्पीकर के सामने छोटा सा डब्बा जिसमें एक डंडा लगा हुआ है, ये क्या चीज है? ये एक मॉडेम है, एक इंटरनेट मॉडेम। तो ये वैसे तो इस चीज से हम इंटरनेट एक कंप्यूटर में ला सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट है कि हम किसी भी दुनिया में किसी भी चीज, किसी भी प्रकार की चीज हम ढूंढ सकते हैं, या किसी भी चीज के बारे में हम जानकारी पा सकते हैं, वही है इंटरनेट। और ये एक एक चीज है जो उसे लाने में हमारी मदद करेगा। आगे हम और जानेंगे इसके बारे में। एक और छोटा सा जो वस्तु है सामने, शायद वो कैमरा जैसा कुछ लगा हुआ है, ये क्या है? तो ये एक वेबकैम है, तो इसे आप मॉनिटर के ऊपर लगाते हैं और सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका झट से एक फोटोग्राफ खींच सकता है, या आपका एक लंबा वीडियो निकाल सकता है, या आप जैसे कि इंटरनेट से आप अगर कनेक्ट हो जाओ तो आप स्काइप या वेरियस और भी अलग अलग
तरह के सॉफ्टवेयर्स है जिसके साथ आप दुनिया के किसी और कोने में जो भी आदमी बैठा है उसको आप देख सकते हो और उसके साथ चैटिंग भी कर सकते हो। तो ये उसी का काम, ये उसका काम है। उसमें एक छोटा सा डॉट जैसा कुछ है, वो क्या माइक है उसमें? हाँ, ये एक है तो माइक है, जैसे कि आपने एक बड़ा माइक भी देखा है और एक छोटा माइक भी देखा है। तो इसी प्रकार से ये वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस होता है। हाँ, इनपुट डिवाइस है। और ये जो पीछे एक बड़ा बक्सा लगा हुआ है स्पीकर के पीछे, ये क्या काम करता है? ये वैसे तो एक UPS है, यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यानी जैसे कि हम शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो पावर कट्स बहुत होते रहते हैं, तो अचानक ही बिजली चली जाती है। लेकिन अगर ये आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो ये कुछ क्षणों के लिए आपको पावर देगा, यानी थोड़ी देर के लिए आप अपने कंप्यूटर को बिजली जाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी फायदे हो सकते हैं, आप अपना काम अच्छे से ख़त्म करके फिर शटडाउन कर सकते हैं। हाँ, और ये कोने में जो सफ़ेद कलर का रखा हुआ है जिसमें स्विच वगैरह लगे हुए हैं, ये क्या चीज़ है? तो ये एक ध्यान दीजिए, ये एक एक्सटेंशन कॉर्ड है। तो इसका एक ही इसके काफ़ी उपाय हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं, तो इसमें आप काफ़ी सारे चीज़ें डाल सकते हैं। पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आपके घर में हर बार बहुत सारे प्लग पॉइंट्स नहीं होंगे, तो आप एक ही प्लग पॉइंट में डाल के इतने सारे पा सकते हैं, तो हर एक के एक एक लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। और ये इसके साथ साथ कई सारे केबल्स भी लगे हुए हैं, ये सब जोड़ने के लिए काम आते हैं? हाँ, काफ़ी सारे जोड़ने के लिए काम आते हैं। जैसे कि ये नीला वाला दिख रहा है, इसको हम VGA या डिस्प्ले कॉर्ड बोलते हैं। तो ये इसका एक हिस्सा CPU से जुड़ता है और एक हिस्सा मॉनिटर से जुड़ता है। तो अभी हम CPU में जो भी हलचल हो रहा है वो हम मॉनिटर में अच्छी तरीके से देख सकें। और जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे और भी जैसे मोटे मोटे केबल्स दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पावर देने वाले केबल्स है, शक्ति देती है। तो इसके दो हिस्से हैं वैसे तो, एक सेकेंड, ये देखिए, ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है। ये हिस्सा आपके स्पाइक गार्ड या एक्सटेंशन केबल में जाता है और ये एक हिस्सा मॉनिटर या CPU में किसी में भी चला जाता है, जिससे मॉनिटर या CPU को हर वक्त शक्ति मिलती रहती है। ये सारे आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के हिस्से होते हैं। अब ये CPU जो है, और भी प्रकार के CPU भी आते हैं इसके? हाँ, वैसे तो और भी प्रकार के CPU आते हैं। ये एक नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर है। आजकल के ज़माने बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो सब कुछ इसी मॉनिटर के अंदर दबा हुआ आ जाता है, तो इसको ऑल इन वन PC कहते हैं या मैक करके भी बोलते हैं। तो काफ़ी ऐसे PCs आते हैं, या छोटे छोटे PCs भी आते हैं, जैसे उसे लैपटॉप बोलते हैं, या जो आप हाथ में लेके जा सकते हो उसे टैबलेट PCs भी कहते हैं। तो उनके बारे में भी हम जानकारी पाएंगे और आगे आगे थोड़ा।